हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे भारतीय वीर और जाबाज सैनिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि भारत और चीन के बीच में हुए 1962 के युद्ध में शहीद हुए थे। लेकिन शहीद होते हुए भी वे लोगों के दिलों में और भारत सरकार के दिलों में अमर हो गए। आज भी उन्हें पूजा जाता है, उनका मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों, उनके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं। 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है और कपड़े प्रेस होते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बांदियों में 19 अगस्त 1941 को जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि वे 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन उन्हें कम उम्र के कारण लिया नहीं गया। हालांकि वाजिब उम्र होने पर 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में राइफलमैन के पद पर शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को जसवंत की ट्रेनिंग पूरी हुई। उसी के बाद यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरा नांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया, मगर इसमें शामिल जसवंत सिंह, लोन्स नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। वहां रहने वाले जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरा नांग में जसवंतगढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर यहाँ रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज़ सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नज़र आती हैं, वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों को पूरी सैलरी पहुंचाई जाती है। घर में शादी या धार्मिक कार्यक्रमों के अवसरों पर परिवार वालों को जब ज़रूरत होती है तब उनकी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है और मंजूरी मिलते ही सेना के जवान उनकी तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। वहीं छुट्टी समाप्त होते ही उस तस्वीर को सह सम्मान
वापस उसी स्थान पर ले जाया जाता है। दोस्तों आपको यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। इस पर भारतीय सरकार ने भी यकीन कर रखा है। दोस्तों आप ऐसे जाबाज और वीर सैनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे जाबाज सैनिक के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय है वह हमें लिखना ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।